हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। कारण यही था कि बहुत दिनों से बारिश ही हो रही है और कुछ काम भी था, और ऊपर से इस स्टूडियो जो है हमारा गरीब वाला स्टूडियो, उसमें लाइट की सुविधा नहीं है। किसी दिन आपको स्टूडियो भी दिखाएंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम परसेंटेज पार्ट 6 का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हो सकता है आप लोग पीछे वाला कंसेप्ट भूल गए होंगे, तो एक बार आप पीछे वाला वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ 31% ऑफ ए नंबर इज 46.5 देन व्हाट इज दैट नंबर। यदि किसी संख्या का 31% 46.5 है तो वह संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 150, दूसरा 155, तीसरा 160 और चौथा ऑप्शन है 165। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं खुद से। अगर हम 31% का बात करते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको मालूम तो नहीं है, लेकिन हम इसको 31/100 लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना। अब हमको पता, हम पहले बता चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं, कि ये जो नीचे वाला होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू। और ये जो है, या तो वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि होगा, इंक्रीज पर मतलब वृद्धि बोलेगा तो ये वृद्धि, कमी बोलेगा तो ये कमी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये 31% का ही बात किया है। मतलब कि इस 31% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 46.5 दिया हुआ है। अब हमको पता है कि नीचे वाला क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, मतलब हमको निकालना है 100 का मान। तो 100 का मान कब निकलेगा, हम 1 का मान निकालेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे है, समझिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, कितना है 465। तो 31 कितना बार में कटेगा, तो 15 बार में कटेगा। देखिए 15 के 15, 15 के 45 और 1 46 आ रहा है ना, मतलब 1 का जो वैल्यू है वो यहाँ 15 आएगा और 1 का पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 1.5 आएगा। अब हमको निकालना है 100 का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और यही हमारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 25% ऑफ ए नंबर इज 75 देन व्हाट विल बी 45% ऑफ दैट नंबर। यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। हमको पता है नीचे वाला इनिशियल वैल्यू होता है और ऊपर वाला जो इंक्रीज बोलेगा तो इंक्रीज, डिक्रीज बोलेगा तो डिक्रीज, या कुछ नहीं बोला है तो मतलब इसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला है 25% क्या है, 75 है, मतलब 1 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 75। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 जो है इनिशियल वैल्यू, मतलब वह संख्या, 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 × 150 होता है 150 × 300, ये हुआ 300। अब ये हमारा आंसर अभी नहीं आया है, ये 300 जो है वो मेरा संख्या है, तो संख्या का फिर 45% भी निकालना है, मतलब 300 × 45%, मतलब 45/100, ये 2 जीरो काटेंगे, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 13, 135, ये हमारा आंसर है। इसको हम एक तरह से और करके दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बोला है 25%, अगर हम इनिशियल वैल्यू 100 मानकर चलते हैं, परसेंटेज में अगर हम 100 मान के चलेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन जल्दी बनता है। मान लेते हैं वह संख्या बराबर 100, परसेंटेज इसलिए 100 माने हैं, तो सोचिए 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा, और इस 25 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 75 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। हमको निकालना है 45%, संख्या का 45%, तो यहां पे हम 100 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या निकालेंगे, 100 का 45% कितना होगा, 45 होगा, 45 का वैल्यू कितना होगा, तो 45 × 3 डायरेक्ट 135। तो आपको जो मेथड अच्छा लगा आप उसको बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 444 is to 4/9%। हिंदी में अगर बोले
तो 444 पूर्णांक 4/9% ऑफ इट सेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यदि किस एक संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 444 पूर्णांक 4/9% हो जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 444 पूर्णांक 4/9% का वैल्यू क्या होगा हमको ये पता करना है। तो हम इस तरह से आपको तोड़ने के लिए बताए थे, इस 444 पूर्णांक 4/9 को हम लिख सकते हैं 400+44, 400% कर लेते हैं और यहाँ पे 4/9%। ठीक है फ्रेंड्स, इस 400 का मतलब अगर फ्रैक्शन लिखें तो 4, और इसका मतलब क्या होगा आप बताइए। आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तो हम लिखवाए थे 11/1/9, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, मैं इसका वैल्यू जो है वो होता था 1/9, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी हो जाएगा 4/9। इसको सॉल्व करते हैं, 9 चौक 36 और 4 40/9, मतलब हमारा फ्रैक्शन वैल्यू जो निकला वो 40/9 निकला। अब इसमें सोचिए, यहां पे जोड़ने के बाद ये जो है वो 40 हो जाता है। जोड़ने 9 में कुछ जोड़े होंगे तब ये 40 हो गया। तो कितना जोड़े हैं इसमें हम कितना जोड़े हैं, तो इसमें हम 31 जोड़े हैं। जोड़े कि नहीं जोड़े, और इसी 31 का वैल्यू जो है वो कितना जोड़ा था वहां पे 930, मतलब इसी 31 का वैल्यू 930 दिया हुआ है। अगर हम इसमें से एक का वैल्यू निकालते हैं तो कितना बार कटेगा, 3 से हुआ होगा, मतलब 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको निकालने क्या बोला है, वास्तविक संख्या, मतलब वह संख्या। तो नीचे वाला क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, मतलब इसी यही संख्या होगा हमारा 9, तो 9 3 27, और यही हमारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूस टू इट्स 80%, व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, उसमें जोड़ रहे थे, इसमें घट रहा है। देखिए यहां पे सबसे पहले 80%, का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपको पता होगा 20% का होता है 1/5, तो 20 में 4 मल्टीप्लाई किए होंगे, मतलब यहां पर हो जाएगा कितना 4/5, ये होगा फ्रैक्शन वैल्यू। इसमें सोचिए, पहले 5 था अब 4 हो गया, कितना घटा होगा इसमें, 1 घट गया होगा तभी 4 हुआ होगा, और इसी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना घट रहा था उसमें 15 घटा रहा था तब हुआ रहा था 80%, मतलब 1 घट रहा है वहां पे एक्चुअल में 15 घट रहा था, मतलब 1 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ था 15 दिया हुआ है। हमको निकालना है 40% कितना होगा, पहले वह संख्या निकाल लेते हैं, जब 1 का वैल्यू 15 तो 5 का वैल्यू कितना होगा 15 5 75, और 75 का फिर हमको कितना निकालना है 40%, मतलब 40/100, 20 से काटेंगे, सॉरी 4 से काट देते हैं 10 बार में, और 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 3 75, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 30, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36, फाइंड द नंबर। एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, जैसा ऐसा क्वेश्चन पे बोला है वैसे पढ़ते जाइए और करते। बोला एक संख्या में 20% वृद्धि और उसी संख्या में 25% कमी से प्राप्त
अंतर, जो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना आता है 36। तो पहले आपको प्रोसेस से करके दिखाते हैं। मान लेते हैं वह संख्या x, यहां लिखते नहीं है वह संख्या, यहां लिख देते हैं वह संख्या बराबर x। अगर वह संख्या x है तो x का मैं क्या करता है 20% बढ़ाता है, तो कितना हो जाएगा 120x/100, यही होगा। उसके बाद अगर इसी संख्या में 25% कमी करता है तो कमी करेगा कितना हो जाएगा 25, 75 बन जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस, तो बड़ा तो ये दिख रहा है, तो डिफरेंस ये डिफरेंस कितना आता है 36 आता है, ठीक है। अगर हम यहां पे घटाएंगे एलसीएम लेकर तो 75 मतलब 25 और 20 45, यहां पे 45x आएगा बराबर 36। 5 से काटते हैं 5 9 45 और 5 से काटेंगे तो 20 बाद में, 9 से काटेंगे 9 4 36, तो x का वैल्यू कितना आएगा 20 4 80, और यही हमारा आंसर है। इसको एक तरह से और कर सकते हैं, पहले आप इसको नोट करिए। तो फ्रेंड्स सेकेंड मेथड इसका देखते हैं क्वेश्चन का। देखिए हम वहां पर बेसिक से बनाए थे x मानकर, अगर हम उसी संख्या को हम 100 मानकर बनाते हैं, वह संख्या बराबर 100, तो अगर 20% बढ़ाएगा 100 में तो 120, 25% घटाएगा तो 75, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 36, ठीक है। यहां पे याद खाली ये रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये कोई यूनिट में है, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो 45, और 45 का वैल्यू कितना दिया हुआ 36, तो 9 से काटेंगे 9 5 45, 9 4 36। हमको चाहिए वह संख्या, मतलब वह संख्या कितना है 100 है, तो 100 कब आएगा जब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 गुना किए यहाँ पे, तब कितना आया 100, तो इधर भी क्या करेंगे 20 गुना कर देंगे, तो 20 4 80, और यही हमारा आंसर है। इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं, थर्ड मेथड। अगर हम देखें 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, और 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन जरा देखिए ये भी इनिशियल वैल्यू नीचे वाला, ये भी इनिशियल वैल्यू, दोनों तो सेम होना चाहिए इनिशियल वैल्यू, लेकिन दोनों जो है क्या है अलग अलग है। तो पहले हम इसको सेम कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/20, और ये हो जाएगा 5/20, अब तो इक्वल हो गया, ठीक है। तो सोचिए 20 में 4 बढ़ा रहा है और 20 में 5 घटा रहा है, 25% कम कर रहा था, ये कम कर रहा था 25%, और ये बढ़ा रहा था 20%। तो जब ये बढ़ाएगा तो यहां पे 24 आएगा, और जब ये घटाएगा तो यहां पे 15 आएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ था तो 36 दिया हुआ था, ठीक है। शायद यहां पे आपको दिख नहीं रहा हो तो हम इसको छोटा करके लिखते हैं। इसको अगर बढ़ाएगा तो 24, और 20 में 5 घटाएगा तो 15, और दोनों के बीच का डिफरेंस 36। जब घटाएंगे तो यहां पे कितना आएगा 9 आएगा, 9 का वैल्यू कितना है 36, तो 9 से काटेंगे एक बार में, एक का वैल्यू 4 आ गया। हमको चाहिए 20 का वैल्यू, तो एक को 20 कब बनेगा जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 इधर मल्टीप्लाई 20 4 80। तो आप तीनों मेथड में आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ 20 इज एडेड टू 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर देन द नंबर ऑफ 10 इज 25 मोर देन 10% ऑफ द लार्जर नंबर देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% में से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसको जैसा जैसा क्वेश्चन है बोला गया है उस तरह करते जाइए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बोला है दो संख्या है जिसका रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना है, पहला 2 और इतना 3, ये पहला का रेशियो है और ये दूसरा का। अगर हम इसको मान लेते हैं नंबर में तो 2x
और 3x मान के चलेंगे, ये नंबर है हमारा 2x 3x। तो बोला है छोटी संख्या का 20% मतलब 2x का 20% मतलब 20 बटा 100 करें या फिर 1/5 करें, बात एक ही है। मैं 20 जोड़ा जाता है, इसमें 20 जोड़ देंगे तो प्राप्त परिणाम जो मिलता है वो हमको तो यही मिलेगा। बड़ी संख्या का 10% मतलब 3x का 10% 1/10 लिखें या 10/100 बात एक ही है, से 25 अधिक है। अधिक कौन है? ये अधिक है, मतलब बड़ा वाला को आगे रखेंगे और हटा देंगे तो कितना का डिफरेंस आएगा? 25 का आएगा। ये समझ में आ रहा? इसमें हम ये कैसे किए देखिए, बोला है क्या कि ये वाला जो परिणाम जो आया वो इस बड़ा संख्या का 10% से 25 अधिक है। 25 अधिक कौन है? ये है। तो बड़ा वाला को अगर आगे रखेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना निकलेगा? 25 ही निकलेगा। अब देखिए यहां पे ये 20 से काटेंगे 5 बार में और ये 10, उसके बाद यहां पर 2/5x, ये 20 को हम इधर ले जाते हैं, माइनस 3/10x बराबर, ये 20 इधर माइनस में आएगा तो 5 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहां पे एलसीएम लेते हैं 10, तो यहां पे 4x माइनस 3x बराबर 5, तो x का जो वैल्यू है यहां घटाएंगे तो x और ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50। तो हमको निकालने बोला था क्या? छोटी संख्या, ये हमारा x का वैल्यू निकला। तो छोटी संख्या कितना है? 2x है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बड़ी संख्या निकालने बोल दे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए नंबर इफ रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स 375। एक संख्या को यदि 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए? देखिए इसको भी हम दो तरह से बताते हैं। पहला, अगर हम संख्या को 100 मानकर चलते हैं, संख्या को 100 मान चलते हैं तो 100 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75। मतलब इस 75 का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? 225। ये परसेंट में मान लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। 75% मतलब 100% में अगर 25% कम कर देंगे तो कितना आएगा? 75%। तो 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 225। तो यहां से अगर हम 1 का वैल्यू निकालते हैं तो कटेगा कितना बार में? 25 से 15 से काटेंगे, 15 × 5 = 75 और 15 × 15 3 बार में कटेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब बोला इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। यहां पे 3 ना होके कितना है? वहां पे 375 है, मतलब इस 3 के जगह में 375 है मान लेते हैं। ये इस 3 के जगह में 375 है, कितना से गुना करेंगे ये 375 होगा? देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, ये 125 से गुना करेंगे तो ये 375 बन जाएगा। तो मतलब कि हमको इधर भी क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 125 से, तो ये कितना हो जाएगा? 125%। मतलब 125% का जो वैल्यू है वो कितना निकला? इतना। तो बोला था कि कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो हम वह संख्या 100 मान करके चले थे और यहाँ पे आया है कितना? 125। मतलब कि ये हम 25% क्या किए? वृद्धि कर दिए। ऐसे हम टिक कर सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप पूरा तरीका से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए बोला है वह एक संख्या को यदि 25% घटा दिया जाता है, मान लेते हैं वह संख्या x, ठीक है, इसमें 25% कमी करेंगे तो 75/100, तब ये कितना आता है? 225 ये आता है। यहां से काट करेंगे 25 × 75 और 25 × 100, 3 से कट करेंगे, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, तो x का वैल्यू कितना? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 और 2 = 30, 300 आया। वह संख्या कितना है? 300 है। तो बोला है 375 आने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा? तो सोचिए
ये 300 है, हमको इसको बनाना है 375, कितना बढ़ाएंगे, 75 बढ़ाएंगे, कितना में, 300 में गुने 100, ये 0-0 कट जाएगा, 3 से कटेंगे 25, मतलब कि 25% अगर हम बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, देन द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। फ्रेंड्स पहले हम मानते हैं कि बड़ा संख्या जो है लार्जेस्ट नंबर, क्या मान लेते हैं, एक्स, और स्मॉलेस्ट नंबर को मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो बोला क्या है, दो संख्याओं का अंतर मतलब एक्स माइनस वाई उनके योग मतलब एक्स प्लस वाई का 15% है। जैसा जैसा क्वेश्चन कर बोलते जाते ऐसे करते जाइए, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 20 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x - 20y = 3x + 3y, एक्स वाला को एक तरफ करेंगे तो 17x, इधर जाएगा तो 23y। तो अगर एक्स रेशियो वाई निकालते हैं, एक्स बटा वाई कितना होगा, 23/17, तो बटा का मतलब ही क्या होता है, रेशियो, मतलब एक्स रेशियो वाई लिखेंगे तो 23/17, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला क्या है, यदि किसी संख्या, वह संख्या हमको मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 80% में 80 अगर जोड़ा जाता है तो वह संख्या जो प्राप्त होता है, ये परिणाम जो प्राप्त होता है वह संख्या के बराबर, तो संख्या क्या मानते हैं, x, मतलब x के बराबर होगा। अगर इसको कट करते हैं 20 × 80, 20 × 5 = 100, तो 4x/5, ये 80 को अगर हम इधर ले आते हैं और x को इधर ले आते हैं तो x इधर माइनस में आ जाएगा और ये 80, लेकिन यहाँ माइनस में, इसको क्या करते हैं उल्टा लेकर चलते हैं, 80 को इधर रहने देते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, मतलब x माइनस 4x/5 और 80 इधर ही रहेगा तो 80। ठीक है, इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा, मतलब x/5 आएगा बराबर 80, ये 5 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 5 = 40, 400। तो हमको क्या बोला था, तो संख्या क्या है, तो एक्स का वैल्यू निकल गया 400, यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। व्हेन 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट एज 60, द नंबर इज, वो नंबर मतलब क्या है वो पूछा है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संख्या क्या है, ये पूछा है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज हुआ है, वह संख्या मान लेते हैं x जिसका 60% में 60 क्या करता है, इसमें घटाया जाता है, इस पर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तब जो संख्या प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, इस बार वही संख्या प्राप्त नहीं होता, इसमें 60 प्राप्त होता है। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई भागा देंगे 20 × 60 = 20 × 25 = 100, मतलब यहाँ पे 3x/5, ये 60 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 120 हो जाएगा इधर। ठीक है, 3 से भागा देंगे 40 बार में, तो x का वैल्यू 4 × 5 = 20, 200 हमारा आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा क्या था, वह संख्या, मतलब आंसर यही होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 60% इन ऑर्डर टू स्टोर द ओरिजिनल प्राइस, द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय, चावल की कीमत 60% बढ़ा दी गई, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए।
देखिए फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं पुराना मूल्य जो था, मतलब सॉरी इनिशियल में जो प्राइस था चावल का, जो शुरू में दाम था वो था 100 रुपया, ठीक है। अब कीमत जो है वो 60% बढ़ा दिया, मतलब 60% मतलब कितना, 60 बढ़ाएगा, 100 का 60% 60 होता है, जब 60 बढ़ेगा तो वो 160 हो जाएगा। तो बोला है कि पुराना कीमत नया कीमत को जो है वो कितना कम करेंगे पुराना कीमत पर वापस आने के लिए, तो कितना कम करना होगा, यहाँ पे -60 करना होगा, मतलब 60 कम किए 160 में गुने 100, यहाँ 0-0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ पे 8। अब हमको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि 1/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू, ये फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 12.5%, ये बताए थे, पॉइंट में इतना होता है, पूर्णांक में लिखेंगे तो 12.5/2%, ये बताया था। तो यहां पर क्या है 3/8 है, तो 3/8 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 33 और 37, ये हम आपको डायरेक्ट याद भी रखने के लिए बोले थे, 37.1/2% और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज्ड नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है मूल संख्या पर वापस आने के लिए, बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 100 है, अगर इसमें 20% का वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो पुराना ये जो पुराना नंबर है उसमें आप वापस आने के लिए कितना कम करना होगा, तो -20 करना होगा, तो 20 कम कर रहे हैं किसमें, 120 में गुने 100, ठीक है, 20 × 120, तो 1/6 का मतलब कितना होता है 16.2/3%, यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10% टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। अगर हम संख्या को 100 मानते हैं, कोई भी कीमत जो है उसका, अगर कोई आर्टिकल का प्राइस जो है 100 है, तो उसमें क्या करते हैं 10% कम करते हैं, 10 कम करेंगे तो वो 90 हो जाएगा, तो वापस पुराना कीमत पर आने के लिए कितना वृद्धि करना होगा, तो 10 का वृद्धि करना होगा, 10 का वृद्धि कितना में हो रहा है, अपन 90 में हो रहा है गुने 100, 0-0 कटेगा, 1/9 का मतलब 11 पूर्णांक। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज रिड्यूज बाय 25%, बाय वॉट परसेंट शुड बी रिड्यूज सैलरी बी रेज सो एज टू ब्रिंग इट टू विथ हिज ओरिजिनल सैलरी। एक व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी की जाती है, उसे प्राप्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसे पहले के बराबर वेतन प्राप्त हो। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति का वेतन शुरू में 100 रुपया था, उसमें अगर 25% का कमी करेंगे, मतलब 25 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, तो बोला है कि पहले वाला वेतन में वापस आने के लिए कितना वृद्धि करना होगा, तो 25 वृद्धि करना होगा, 25 वृद्धि जो कर रहे हैं वो कितना में कर रहे हैं, 75 पे कर रहे हैं गुने 100, 25 × 75 और 1/3 का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 33.1/3% और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस कंसेप्ट पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो मैं अगले वीडियो पर लेकर आऊंगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और मैं जितने भी क्वेश्चंस ये करवा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर से हैं। अगर आप में से कोई न्यू है इस और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पुराने वीडियोस को रेगुलर देखते आइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि 20 से आप देखिएगा तो आपको समझ में बहुत कम आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।